नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका चैनल पे सीपीआर एंड प्योर्स। आज हम देखेंगे कि वर्जिन सीपीआर क्या होता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का कल का चार्ट है, 24 नवंबर का। तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं हम, जो कि है प्रीवियस डे हाई। यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है जहाँ से मार्केट नीचे आया था पूरा। फिर यहाँ पे वर्जिन सीपीआर भी नीचे मार्क कर सकते हैं। प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया हमने, और ये रहा वर्जिन सीपीआर जहाँ पे मार्केट ने टच नहीं किया। तो देखते हैं कि यहाँ वर्जिन सीपीआर कैसे एक्ट करता है नेक्स्ट दिन, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस। तो अब हम 25 नवंबर का, मतलब आज का जो है बैंक निफ्टी का चार्ट देखते उसमें कैसे रिएक्ट होता है मार्केट। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हो, ये 25 नवंबर का, मतलब आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने कैसे वर्जिन सीपीआर को सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ पुश किया था। तो यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट देख सकते हैं कि हम एंट्री कहाँ पे ले सकते थे। तो सबसे पहले एंट्री तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको लगा हो कि पहले ही सीपीआर को टच किया, वर्जिन सीपीआर को इस कैंडल पे हम एंट्री ले सकते थे, तो वहाँ पे एंट्री मत लो। मैं बताता हूँ कि वहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे एंट्री लेता तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमेशा हम वर्जिन सीपीआर के नीचे रखेंगे, एकदम बॉटम सीपीआर को, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता, तो अफोर्डेबल नहीं है। तो ट्राई करें कि मार्केट जितना हो सके रीटेस्ट करे और नीचे आए, और एंट्री हमेशा मिडिल सीपीआर पे जब आएगा वर्जिन सीपीआर के मार्केट, वहीं पे लेना। और मैंने जो एंट्री ली थी आज के कैंडल में, वो एंट्री थी यहाँ पे इस रेड कैंडल पे। अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि मैंने मार्केट में उस रेड कैंडल में एंट्री क्यों ली। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं एंट्री वही लूँगा जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम होगा। तो इसलिए मैंने वो फर्स्ट वाले जो ग्रीन कैंडल था वहाँ पे एंट्री नहीं ली। मैंने एंट्री वहाँ पे ली जहाँ पे जो वर्जिन सीपीआर का जो मिडिल वाली लाइन थी वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम होता था, अगर मैं स्टॉप लॉस जो है मैंने बॉटम ऑफ द सीपीआर रखा था। तो इसलिए मैंने एंट्री वहाँ पे ली। हमेशा एंट्री ऐसे जगह पे लेना जहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हमारा बहुत कम हो। तो वर्जिन सीपीआर में अगर कोई भी आया आपको, तो एंट्री वहीं पे लेना, वर्जिन सीपीआर का जो मिडल वाला लाइन है वहीं पे एंट्री लेना। और जो मेरा टारगेट था, एक्चुअली मेरा टारगेट सीपीआर तक था, लेकिन मैंने 1.5 जैसे कि मेरा हुआ तो मैंने जो है मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पे मैंने एग्जिट ली, क्योंकि उस टाइम पे निफ्टी को जो है सीपीआर का रेजिस्टेंस था। तो हो सकता है कि निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी भी डाउन चला जाए, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं लेना था, इसलिए मैंने वहाँ पे जो है अपनी एग्जिट ली और मेरा प्रॉफिट बुक कर दिया। और हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3,500 का हमारा प्रॉफिट है आज का। और मैंने जो है बैंक निफ्टी के 2 लॉट खरीद किए थे कॉल ऑप्शन के। और ऐसे आप कर सकते हो कि वर्जिन सीपीआर जब भी आपको मौका मिले कि आपको वर्जिन सीपीआर आए, तो ट्राई करें कि वहाँ पे ट्रेड ले। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था वर्जिन सीपीआर क्या होता है, वर्जिन सीपीआर मतलब ऐसा सीपीआर होता है जहाँ पे मार्केट ने इससे टच नहीं किया था, तो वो एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट डे, तो उसे वर्जिन सीपीआर बोलते हैं। तो हमेशा वर्जिन सीपीआर पे जब आप ट्रेड लोगे तो एक बात ध्यान में रखना, वो है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हम हमेशा बॉटम ऑफ द सीपीआर ही रखेंगे, बॉटम ऑफ द वर्जिन सीपीआर। और जो हमारी एंट्री होगी, एंट्री ऐसे जगह लेना जहाँ से हमारा स्टॉप लॉस कम, बहुत कम हो, कम से कम स्टॉप लॉस हो, ऐसे एंट्री लेंगे। इसलिए जो वर्जिन सीपीआर की जो टॉप वाली लाइन है वहाँ पे कभी एंट्री मत लेना। एंट्री हमेशा हम मिडल ऑफ द वर्जिन सीपीआर की जो मिडल वाली लाइन है वहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ताकि बॉटम ऑफ द सीपीआर तक हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो और टारगेट ज़्यादा हो। हालांकि अगर ट्रेड हमारे डायरेक्शन में वर्क नहीं हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो। अगर हम टॉप सीपीआर, टॉप लाइन जो है वर्जिन सीपीआर की, वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो हमेशा यही चीज़ ध्यान रखना, ये पैटर्न्स तो आप यूज़ करते रहोगे, पैटर्न्स एंड ऑल, जरूरी यही है कि रिस्क मैनेजमेंट, आप कितना रिस्क मैनेजमेंट सही करते हो इसके ऊपर है सब। बाकी ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस यही पैटर्न था आज का वर्जिन सीपीआर का। अब हम मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी कोई चीज़ होगी कि मुझे आपको बतानी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगी, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए पीस आउट।